बढ़ते आगे, माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी के दो मामलों में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में, जबकि सीजीएम कोर्ट में जमीन को अवैध ढंग से खरीदने के मामले में सुनवाई हुई। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज किया गया, वहीं अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए। वहीं सीजीएम कोर्ट में जमीन को अवैध ढंग से खरीदने के मामले में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई हुई है। जमीन मामले में 20 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी के रिमांड पर बहस होगी। परंडा थाने का गैंगस्टर के मामले में 313 अतिरिक्त कथन जो है अंकित करने के लिए मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीसी के जरिए जो है पेश किया गया था, और पुनः जो है 11 अक्टूबर जो है तारीख बहस के लिए नियत की है। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और सरजील रजा और अनवर सजाद, ये लोग चार जेल में हैं अलग अलग, और नेटवर्क प्रॉब्लम थी, और नेटवर्क प्रॉब्लम से जो है लिंक नहीं मिल पाने के कारण अगली तिथि 20/10 नियत की गई है रिमांड डेट। ये मामला जो है माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी